सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इथाम सिलेक्ट टेबलेट के बारे में, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स जैसे कि सिलेक्ट 500 टेबलेट, रे VCE टेबलेट एवं इथासिल टेबलेट के नाम से मिल जाती है। और ये जो सारे ब्रांड्स हैं, इनकी जो मूल कॉम्पोजिशन होती है वह आपका इथाम सिलेट होता है। यह जो इथाम सिलेट टेबलेट है, यह आपको कॉमनली 250 मिलीग्राम एवं 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। तो अगर हम इस इथाम सिलेट टेबलेट के यूजेज की तरफ चलते हैं विस्तार से, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। यदि कोई फीमेल जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही हो, साथ ही साथ यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही हो जो कि एक डिसफंक्शनल कंडीशंस में हो रहा हो, तो उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए एवं ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह इथाम सिलेट टैबलेट प्रयोग में लिया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा समटाइम्स डॉक्टर इसका प्रयोग यदि कोई महिला जिनको एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग हो रही हो या फिर आफ्टर डिलीवरी भी ब्लीडिंग हो रहा हो और ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो रहा हो, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर कई बार इस इथाम सिलेट टैबलेट का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इस इथाम सिलेट टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर्स बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी भी प्रयोग में लेते हैं ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर हम ओवरऑल और सिंपल शब्दों में इथाम सिलेट टैबलेट के यूज को देखते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्रयोग आपको ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए, मतलब ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम इथाम सिलेट टैबलेट के साइड इफेक्ट्स की ओर चलते हैं, तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है, स्किन पे कुछ रेसेज हो सकते हैं एवं डायरिया की समस्या हो सकती है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, बट हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाए, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। अगर हम इथाम सिलेट टेबलेट के डोज की ओर चलते हैं, तो इसकी जो कॉमन डोज होती है वह आपको 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट इंस्टेंट या फिर दिन में दो बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर इसका प्रयोग पीरियड्स के ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जा रहा हो, तो दिन में दो बार प्रयोग में दिया जा सकता है, और इसके अलावा कोई और अदर कंडीशंस हो तो उसमें दिन में एक बार ही प्रयोग में लेने की सलाह दी जाती है। कॉमनली इसे 3 to 5 days तक हम प्रयोग में देते हैं, तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है इथाम सिलेक्ट टेबलेट के बारे में, जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।